इट जस्ट सीम्स लाइक मरियम का ट्रैक इंटरेस्टिंग है ये डिलेमा है कि मरियम को सच नहीं पता तो क्या लेकिन मरियम अपनी तरफ से समझ रही कि उसके साथ ज़्यादा hmm. हो जाए मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने प्रेजेंट किया लड़कियों के लिए फिर घर पे भी ले आती है वो उसको अच्छा ये भी अब हमसे तो गाज वगैरह कहाँ थे <laughs> जब घर पे आई सॉरी <laughs> <laughs> <सौरी। laughs> गंदी गली से आया था इतनी इतनी लोग। आपने आप देखियो अपने कमरे में सोरा होता है सबको पता है सही है लेकिन फिर भी उसके बेडरूम के अंदर बंदूकें चल जाती है मतलब वो फायर दूसरे गैंगस्टर होंगे जिन्होंने आके किया होगा हाँ और उसने गार्ड की पूरी टोली बिठाई हुई है फिर एंड में जो आयोग लेकिन जो होंगे उनके साथ भी गार्ड होंगे

मुझे दिखाते रहें या मैं mm -hmm. ही सही चीज़ें करती रहूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटनेस आई थिंक दैट वुड नॉट जस्टिफाई द पेस ऑफ द स्टोरी वो आगे okay. पीछे स्लो डाउन हो जाती है कहानी mm -hmm. Sometimes वी हैव टू लेट थिंग्स लूज या लेट टाइट थिंग्स अप जस्ट टू मेक अ पेस ताकि वो टक 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 हमें सम व्यूवर को ना अभी ये जो लैंग्वेज है ना हम जब मीडिया पढ़ते हैं बिकॉज आई एम डायरेक्टर टू तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात पढ़ाई जाती है कि हर स्टोरी चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ड्रामा हो चाहे वो कोई भी जॉनर हो हर जॉनर का पेस होता है ठीक है कभी कभी बहुत सारी स्टोरीज में भी आपको दिखेगा कि आगे पीछे थोड़े मसले हैं यहाँ पे लूप होल है यहाँ पे ये यह चीज़ नहीं डिफाइन हुई ये चीज़ जाने दी उन्होंने इस सीन के बाद ये लगा दिया टाइम लैपिस भी कभी कभी लोग ऐड कर देते हैं जस्ट टू कीप दैट पीस अब की ये बात भी सही है कि हर कैरेक्टर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा बिल्कुल सही हरकतें करेगा या बिल्कुल सही एक्शन लेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहानी की तरफ से अगर मैं देखती हूँ तो भी हमेशा हर बंदा ग्रे में रहता है ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता yeah. अब हमें यह निकालना पड़ेगा ये आइडिया ब्लैक एंड वाइट का क्योंकि अब तो उसको नौरेज से शादी कर लेनी चाहिए और या मरियम को टाइम देना चाहिए अभी थोड़ा क्या अभी तो मरियम के हाथ में डिसीजन ही नहीं है ना माँ बेगम ने अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा माँ बेगम ने कहा इसकी कल शादी है लेकिन क्योंकि म, इस ओके लेट मी डीफ्रेस क्योंकि मरियम ने एक ऐसी बेवकूफ़ी कर दी है यस yes. तो क्या मरियम डिजर्व करती है कि बस अब नौरीज से शादी कर लो और मरियम खुद ये सोचे क्योंकि मुझसे तो गलती हो गई मैंने तो इतना बड़ी मिस्टेक कर दी अब जो 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 माँ बाप कह रहे हैं या मरियम को थोड़ा टाइम देना चाहिए टू रिकवर फ्राम दिस एंड देन मे बी When Meerab got married, hmm. problem was this this yeah. with the entire system hmm. that why we have not been given this option yeah. to either go for वेन मीरब गो फॉर योर डिसीजन आप डिस तो ऑप्शन देना कि ये वाला डिसीजन मानना ये वाला नहीं मानना yeah. है ना hmm. हम अपना डिसीजन भी नहीं बताते आपको लेकिन हमें इतनी लिबर्टी तो दीजिए Meera का यही स्टांस था ना hmm. शुरू से yeah. तो वो तो मसला है ही हमारे खानदान के साथ hmm. कि उनको लगता है कि हम फैसले लेते हैं और हम ऑर्डर करते हैं बस और ये आखिरी फैसला है जैसे मार्क बेगम ने पहले कहा हम शादी नहीं करवा रहे तुम्हारी तो हमारी से और फिर मार्क बेगम कहती है कि अच्छा भाई ने गाया है सही कुछ सही लग रहा है तो शादी कर हैं कोई सेट पर इंटरेस्टिंग बात हुई कोई वाक्या जो आप शेयर कर सकें बहुत मज़े के आते हैं और मेरी और हया की जैसे हाँ।

बाकी working with, uh, वहाज, बुशान सारी, कैसा साथ 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 कुछ के साथ yeah. working, yeah. के तो सही nice hmm. yeah. है 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 ठीक वो वो ऐसी खातून है कि वो आपको honestly बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं और वो बाकी उनकी कहानियां इतनी सारी उनके पास एक पोटला होता है उनके पास कहानियों का चीजों का बातों का दिस नो नेवर अ डल मोमेंट विधायक बहुत मजा आता है So okay. so कहानियां होती है छोटी छोटी okay. हमारे से दो उनके बारे में एक उन, उनके इर्द कहानी बना दी कोई इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल में नहीं बता सकती <laughs> बहाज आए तो बहाज आपके हाथ आए तो पूछेगा ठीक <laughs> है बहाज बनाते कहानी ठीक है तो कभी जैसे कुछ मिसाब हो गया हम बैठे हैं बहुत देर सीन नहीं हुआ तो फिर बहाज फोर बोलेंगे अब ये हो रहा था अभी उनकी हांडी जल गई तो बेचारे सब हांडियां संभाल रहे हैं तो उनके okay. एक इनडायरेक्ट तांट भी बड़े क्यूट तो नेहाज के आपके आपसे रिलेटेड क्या कहानी बनाई है उन्होंने कभी मोस्ट तो तो रिलेटेड हां मोस्ट रिलेटेड उनको तो मैं लगती थी क्योंकि बरियाम का इतना कंफ्यूजिंग हाँ. हो गया था तो ही यूज्ड टू से ऑन सेट्स के तुम तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग यू नहीं बट फिर भी कोई कहानी कभी तो बनाई होगी या कभी नहीं बनाई मुझसे रिलेटेड हाँ। मुझे पता नहीं मुझे बताई नहीं वैसे अच्छा आपके लिए आपको बताई नहीं पता कोई नहीं अच्छा कोई तो... कहानी तो सुनाई और जो उन्होंने बनाई हो डायरेक्टर से रिलेटेड क्या कहानी बनाई नहीं नहीं साँसे... मैं नहीं बता सकती <laughs> <laughs> Come on. नहीं, नहीं।, नहीं 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 भाई अब उस लूप होल की कोई तो पे करनी पड़ेगी आपको नहीं। क्यों? आ, अरे भाई, आपने, आपने, आपने बारे में नहीं। 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 नहीं कुछ मालूम क्या नाम रखा हुआ के साथ वो हाज की ना चलती रहती थी अनबन अच्छा अमंग अच्छा एक और भी चीज है इट्स वेरी मुझे लगता है यमुना और वहाज में से असल में yeah. रोमांस में जो एस्थेटिक्स यू नो इन एक्टिंग और यमुना yeah. के बड़े अच्छे एस्थेटिक्स हैं रोमेंस में mm -hmm. तो बहुत मौकों पे यमुना बड़ी अच्छी चीज़ें बताती थी अच्छा ये वाला हाथ ऐसे कर लो haan. ये वाला हाथ आगे कर लो सो क्यूट हाँ यमुना टू टेल और यमुना की बड़ी वो विजन अच्छी है क्योंकि okay. मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ये क्यों कर रही है जो कर रही है लेकिन वो स्क्रीन पे आया यमुना के ना दिमाग में बनी होती है ओके okay, कहानी बनी हुई होती है बिल्डिंग बनी होती है पूरी ओह ओ वो उनकी पूरी एक अंबानी का हाउस बना होता है अपने स्क्रिप्ट को लेके वो जो करी होती है ना आगे पीछे hmm. वो जस्टिफाई होता है वो बोलती नहीं है कभी कभी बिकॉज कभी कोई सैड सीन है गुस्से वाला सीन है अग्रेसिव सीन yeah. है तो कभी कभी उस यमुना पे हो जाता है तारी शी बिकम्स लाइक अ लिटल नॉट हैप्पी जब उनका सैड सीन होना है hmm. लेकिन उनके अपना दिमाग में उनकी बिल्डिंग बनी होती है अपनी कहानी